नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के रहीम बिघा के रहने वाले जयराम के बेटे की शादी 2 महीने पहले से तय है, लेकिन पानी के संकट की वजह से घर वाले शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि 1.5 महीने पहले बाबूलाल राम के बेटे की शादी भी तय हो गई है, लेकिन मुहूर्त होने के बावजूद बारिश का इंतजार किया जा रहा है। जयराम और उनकी पत्नी सुनैना देवी बताती हैं कि खुद के पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में नाते रिश्तेदारों और बारातियों का सत्कार कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिलहाल शादी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। शादी ब्याह हम लोग करे वाला आदमी है, अब पानी नहीं है तो कैसे करें? आपके परिवार में? हाँ, हमारा परिवार के लड़का का शादी है, अभी पानी नहीं मिल रहा है। देखो विदा में कहाँ से लाता है जेरी मनी टंकी, तो शादी ब्याह होता है। देखिए हाले 2 गो शादी हुआ तो टंकिये से पानी आया। रहीन बीघा घर होले जी, पानी के तकलीफ है, पानी चलते यहाँ शादी ब्याह रुकल है। जब पानी पड़ता तो आषाढ़ ने भगवान पड़ता तो आषाढ़ ने शादी करवे। वैसे तो खकंदुआ पहाड़ी के किनारे स्थित रहीम बिघा गांव में कई चापाकल हैं, लेकिन पानी का स्तर गर्मी की वजह से नीचे चला गया है, इस कारण चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। बहू राखी देवी बताती हैं कि उन्हें ससुराल में खाना मिल रहा है, लेकिन पानी का अभाव है, जिसकी वजह से 2-3 दिन में एक बार स्नान कर पाती हैं। रहीम में एक सामुदायिक शौचालय है, लेकिन वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जनक राम बताते हैं कि खकंदुआ पहाड़ की खाई से गांव के लोग पानी लाते थे, लेकिन एक घटना हो गई जिसके बाद से लोग डरने लगे हैं। जैसे तैसे वे लोग काम चला रहे हैं। उसमें दिक्कत हो गया, इसलिए से खकंदुआ से पानी लाते थे, पहाड़ से पानी लाते थे। वो जो घटना घट गया उसमें जो है पानी 1-2 गो आदमी डूब के मर गया, तो हम लोग भी सोचे कि भाई इतना बच्चन लोग जाता है वहाँ गेंदरा फीचने का, वहाँ पानी लाने का, माँ के साथ जाती है लड़का बच्चा, तो ये तो जो है से गिर बजर जाएगा, तो ओकरों में हम लोग परेशानी होगा, तो वहाँ पानी लाना बंद कर दिया। जब पानी के लिए कपड़ा लत्ता फेंचने के लिए बहुत दिक्कत होता है, पानी लाता है रात में, ढक लो खखंड लाता है, पहाड़ी से लाता है। नवादा जिले के रजौली, कौवा कोल और मिसकौर प्रखंड में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी की किल्लत है, और लोग किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।